हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूनियन बजट 2018-19 के बारे में बताऊंगा। आज सुबह ही हमारे वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने लोकसभा में अपना 2019 से पहले आखिरी बजट पेश किया, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उम्मीद थी कि ये बजट में काफ़ी कुछ होगा जिससे कि जनता को अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला। हाँ, इस बजट में चुनावी वादे जरूर किए गए और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए गए हैं, काफ़ी बातें की गई हैं। तो देखते हैं, मैं चुनाव के दौरान बोले गए सारे के सारे पॉइंटों को एक एक करके कवर करूंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट, और फिर धीरे धीरे बीच बीच में जब जो पॉइंट क्वेश्चन पेपर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको अलग से बताऊंगा वहीं पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के बजट में जिन जिन पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन किया गया उनको वन बाय वन। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6% की वृद्धि। जी हाँ, जो डायरेक्ट टैक्स होता है जो एक आम नौकरी पेशा लोग जमा करते हैं, उसमें पिछले साल 12.6% की वृद्धि हुई। तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण रहा नोटबंदी, क्योंकि नोटबंदी होने के बाद लोगों ने सोचा कि पैसे का क्या करें, कहां वापस करें, तो उन्होंने अपना टैक्स ही भर दिया कम से कम। दूसरा, अगर इसी की बात की जाए तो 15 जनवरी 2018 तक डायरेक्ट टैक्स जो जमा हुआ वो 18.7% रहा, इसमें 18.7% की बढ़ोतरी हुई। ये एक अच्छा कदम था सरकार के द्वारा लिया हुआ, जिससे कि देश में सरकार के पास जमा पूंजी बढ़ गई नगदी, और उसको देश के विकास में लगाया जा सका। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत, 40,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, एक आम नौकरी पेशा लोग के लिए या किसी के लिए भी 2.5 लाख रुपये तक तो डायरेक्ट टैक्स पूरा माफ होता है, इसके बाद 1.5 लाख तक की वो सेविंग्स कर सकते हैं अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो इसके साथ एक क्या होता था, मेडिकल क्लेम होता था और एक होता था कन्वेंस, यानी कि, तो इन दोनों में भी टैक्स की छूट मिलती थी, लेकिन सरकार ने अब इसको बंद कर दिया है और 40,000 रुपये की डायरेक्ट छूट दे दी है कि कम से कम इतना तो होगा ही। बस यही चीज थी बताने लायक। और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि हाँ पिछले साल था वैसा ही इस बार भी है, कि 2.5 लाख से 5 लाख तक वालों को 5% देना होगा, 5 लाख से 10 लाख तक वालों को 20% टैक्स देना होगा, 10 लाख से 50 लाख वालों को 30% देना होगा, और इससे ऊपर वालों को 40% टैक्स देना होगा। ठीक, एक अच्छी खबर हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50,000 तक छूट। बस इतना पॉइंट था, देखते हैं आगे अगला पॉइंट। हाँ, एक बात है, जब हमारा 12.6% का टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को मिला, बढ़ोतरी हुई वो मिला, तो यानी कि नए लोग जुड़े होंगे, तो वो 85.58 लाख नए करदाता जुड़े। इसको गवर्नमेंट के अचीवमेंट कह सकते हैं कि उन्होंने जो लोग टैक्स की चोरी करते थे उनको भी लाइन में लाकर उनसे भी टैक्स वसूल लिया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये पॉइंट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उड़ान योजना के तहत देश भर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा। तो हाँ, ये आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस योजना के तहत हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए या उनमें कनेक्टिविटी के लिए कौन सी योजना लाई गई है, तो वो योजना कौन सी है, उड़ान योजना। अगला पॉइंट, सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती। जी हाँ, काफी दिनों से पॉइंट बाजार में मार्केट में ये बात चल रही थी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कैसा है, लीगल है, अनऑथराइज्ड है कि ऑथराइज्ड है, तो सरकार ने इस बार अपने बजट में उसको साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। देखते हैं नया पॉइंट। अगला पॉइंट है, कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7,148 करोड़ रुपए का प्रावधान। जी हाँ, कपड़ा व्यवसाय है उसके जो उद्योगपति हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि जो टेक्सटाइल की मिल हैं उनको फिर से रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने 7,148 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, जिससे कि उनकी जो डूबी हुई अर्थव्यवस्था है यानी टेक्सटाइल की कंपनी है उनको फिर से उबारा जा सके। ये एक अच्छा कदम है सरकार का अपने बजट में। देखते हैं आगे। हाँ, जैसा कि
ये काफ़ी बड़ा बड़ा डार्क स्लैब में मैंने लिखा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, वैसा का वैसा ही है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि 10 लाख रुपए तक की आय वालों को कितना टैक्स परसेंट देना होगा, तो कितना होगा? 20%। ठीक, यही आपसे पूछ सकता है जिनकी आय 2.5 से 5 लाख है उनको कितना टैक्स देना है, ऑप्शन दिया होगा 5%, 10%, 20%, तो कितना है वो? 5%। तो ये चीज़ आपको पता रखनी है, और मैं ऐसे ही एक एक करके पॉइंट को रीड करूंगा और आपको बताता रहूंगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। बाकी चीज़ जस्ट एज ए नॉलेज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि किस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, उनका नेटवर्क बनाया जाएगा। तो कौन सी योजना है? वो योजना है भारत नेट परियोजना। एक खबर, 5G प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्ट बेड खोलेगा। ठीक है, नव निर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ने का लक्ष्य। जी हाँ, तो अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हवाई अड्डों को जो उनकी क्षमता है उसको 5 गुना बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो वो कौन सी योजना है? नव निर्माण योजना। डिजिटल इंडिया के आवंटन को 2 गुना करके 3,073 करोड़ रुपए किया गया। जी हाँ, अभी तक जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, डिजिटल इंडिया के ऊपर काफ़ी काम किया गया है और इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। तो इस बार के बजट में 3,073 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, दुगुना करके इस बजट को। एक और पॉइंट, सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही ई भुगतान प्रणाली शुरू हो जाएगी। जी हाँ, आप इंटरनेट से ही भुगतान कर सकते हैं टोल का, उनकी पेमेंट का। अगला पॉइंट देखते हैं बजट का। अगला पॉइंट, शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है पेपर में क्या, शहरीकरण के लिए कौन सी योजना बनाई गई है या फिर कौन सी योजना को लागू किया गया है? तो वो योजना कौन सी है? स्मार्ट सिटी योजना या फिर अमृत योजना। 3 वर्षों में आर्थिक विकास की दर 7.5% पहुंची। जी हाँ, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए भारतमाला परियोजना अनुमोदित। ठीक, आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस पॉइंट से कि सड़कों के सुधार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके विस्तार के लिए कौन सी योजना को अनुमोदित किया गया है? तो वो कौन सी योजना है? वो योजना है भारत माला परियोजना। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, तो अभी अभी भारत ने 250 मिलियन डॉलर का लोन लिया है ADB से। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्यों लिया है? भारत की सड़कों की सुरक्षा के लिए, उनको सुगम बनाने के लिए, उनको चिकना बनाने के लिए, यानी कि सड़कों को अच्छा करने के लिए, सड़क निर्माण प्रयोग के लिए। एक पॉइंट, और ASI का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है? ये देश में जो भी प्राचीन इमारतें हैं उनके रख रखाव, उनकी देखभाल का काम करती है। और तो वो क्या करेगी, अब 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटन सुविधा को बढ़ाएगी। ठीक, अगला पॉइंट, रेलवे में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर जोर। जी हाँ, रेलवे में रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक योजना लाई जाएगी, सुरक्षा सर्वप्रथम नीति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी योजना लागू की जाएगी, तो वो कौन सी योजना है? वो योजना है सुरक्षा सर्वप्रथम, यानी कि क्या? सेफ्टी फर्स्ट, ये योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही रेलवे रेलवे के लिए एक और खबर है, 3600 किलोमीटर नई पटरियों का काम शुरू किया जाएगा और 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का काम शुरू। पुनः विकसित मतलब समझे आप, यानी कि कभी वो रेलवे स्टेशन अच्छे रहे होंगे, बीच में लापरवाही हुई जिसकी वजह से वो वापस से पिछड़ गए, खराब हो गए, अब उनमें फिर से पैसा लगा के उनको विकसित किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे नया पॉइंट हमारे बजट का। सरकार 10 करोड़ परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि अस्पताल में इलाज के लिए उपलब्ध कराएगी। ये एक अच्छी खबर है गरीब तबके के लोगों के लिए, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, उनको सरकार 5 लाख रुपए तक का सालाना राशि उपलब्ध कराएगी। 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज खोले जाएंगे। जी हाँ, 24 न्यू मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिससे कि मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी और फ्यूचर में देश में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी।
आज की डेट में भारत में डॉक्टरों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी योजना है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना कौन सी है और किस देश में लागू है? तो किस देश में लागू है? वो लागू है भारत में। और इस योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ वो पॉइंट बताऊंगा जो कि स्पीच हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने दी अपनी स्पीच, उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या पॉइंट बोले, ये उनके वर्ड्स हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। रोजगार सृजन हमारी नीति निर्माण का केंद्र बिंदु, उन्होंने बोला कि हमारा मेन जो मुख्य गोल है वो रोजगार को बनाना है। तो जो लोग डर रहे थे कि जॉब्स की कमी है, तो इस चीज़ से उनको राहत मिल सकती है कि फ्यूचर में जॉब्स आने की संभावनाएं हैं। दूसरा, युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, जी हाँ, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इजीली लोन है, प्रोसेस इजी है और जल्द ही कार्यवाही की जाएगी लोन देने के लिए। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2022 तक 2020 तक 50 लाख लोगों को स्कॉलरशिप देना, यानी कि जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए भी बजट में प्रावधान लिया गया है। चौथा पॉइंट, कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले, ये चीज़ उन्होंने बताई, यानी ये चीज़ हो चुकी है। कृत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये उनकी स्पीच के कुछ मुख्य चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। बढ़ते हैं आगे बजट के और पॉइंट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे की नई नीति में उसकी सुरक्षा के लिए किस चीज़ को ध्यान में दिया गया है, तो वह है सर्वप्रथम सुरक्षा नीति। आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा बड़ा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नीति को लागू किया गया है, तो वो योजना कौन सी है? सुरक्षा सर्वप्रथम। आइए और पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। इस साल शुरू होगा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम, ठीक है। आदिवासी बहुल ब्लॉकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, यानी कि बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे एकलव्य मॉडल के आधार पर। 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए राइज नामक पहल का प्रस्ताव, जी हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुधार करने के लिए कौन सी योजना लागू करने का प्रस्ताव है, तो वो योजना कौन सी है? वो योजना है राइज योजना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत दो कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, अभी उसका नाम नहीं बताया गया है, फ्यूचर में जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए, ये एक डाटा है जो कि सरकार ने शेयर किया है आम जनता के साथ। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले, ये भी डाटा है जो सरकार ने शेयर किया है। नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी, ये भी डाटा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किस योजना के तहत गांव में ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए, तो वो योजना कौन सी है? वो योजना है उज्ज्वला योजना, ठीक है, जिसके तहत फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए, ठीक। 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5,750 करोड़ रुपए का प्रावधान, जी हाँ, ये एक डाटा है जो कि सरकार ने बताया है। अब देखिए, सौभाग्य योजना से 4 करोड़ गरीब घरों में मुफ्त बिजली, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन क्या बनेगा? किस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में मुफ्त बिजली बांटी है, तो वो योजना कौन सी है? वो योजना है सौभाग्य योजना, जिसके तहत मुफ्त बिजली का बंटवारा किया गया। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वडोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाए कदम, जी हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव किस शहर में खोलने का दिया गया है, तो वो कौन सी सिटी है? वो है वडोदरा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव किस शहर में किया गया है, तो वडोदरा।
अगला पॉइंट, दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का कौशल हुआ उन्नयन। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, मछली पालन पशुपालन के लिए 2 नए फंड, मत्स्य पालन पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा को स्थापित होगा, कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए ताकि किसानों को जो खेती करते हैं उनको ऋण दिया जा सके, सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड में दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित। तो ये सब सरकार ने बताया है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम होंगे। आइए और पॉइंट्स कुछ देखते हैं जो कि बजट में शामिल थे। 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि 2016 से 17 के बीच भारत में कितने टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। तो कितने टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जाम्स में, और क्योंकि ये डाटा है, फैक्ट है, तो बैंक के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, किसानों को एमएसपी पूरा दिलाने में सरकार प्रयासरत। ये सब पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिएगा। आइए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन सी, 7th। दूसरा, लास्ट 3 वर्षों में भारत की विकास की दर क्या थी, वो थी 7.5%। ये भी पूछ सकता है आपसे। तो बस इतने मेन मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं बजट के। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए हम लोग प्रोत्साहित होते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।